पुलवामा की सादत का ये दर्द सहा नहीं जाता। अरे मोदी जी कब बदला लोगे पूछ रही भारत माता। मोदी जी कब बदला लोगे पूछ रही भारत माता। अरे पुलवामा की सहादत का दर्द सहा नहीं जाता। अरे मोदी जी कब बदला लोगे पूछ रही भारत माता। मोदी जी कब बदला लोगे पूछ रही भारत माता। एरा शब्दों से भाई शब्दों से निंदा कर कर के शब्दों से निंदा कर कर के हमने वक्त कमाया। अरे खून के बदले खून चाहिए आज समय जनाब। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। लोग कह जाते हैं क्या हो गया, कुछ नेताओं ने यहां तक कह दिया था पिछले जब उरी में हमला हुआ था मर गए तो क्या हो गया। नहीं, मैंने सुबह भी कहा था किसी बड़े नेता का बेटा नहीं मरता, मजदूर कमेरे और जमींदार का बेटा मरता है। भाइयों बहनों, शायर की कुछ छंद लाइनें आपको अर्पित कर रहा हूं कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, सुख भरपूर गया। मेरी माताएं बैठी हैं, साउंड मास्टर जी थोड़े से मजबूती दियो। सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की तो लंगोटियां चली गई। सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की तो लंगोटियां चली गई। बाप की दबाई गई बेटे की पढ़ाई गई, बाप की दबाई गई भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे जिस्म की तो जहां बोटियां चली गई। और आपके लिए तो बस एक आदमी मरा है साहब, किसी की किंतु किसी के घर की तो रोटियां चली गई, किंतु किसी के घर की तो रोटियां चली गई। क्या कहा वाला वैसे? सिर ऊपर सिर ऊपर पानी उतरा, अब सिर ऊपर पानी उतरा, आतंकवादी पाकिस्तानी, सिर ऊपर पानी उतरा, आतंकवादी पाकिस्तानी, बम बरसा दे सबक सिखा दे, बम बरसा दे सबक सिखा दे, कर दे खत्म कहानी, ओछी हरकत करे और फिर, ओछी हरकत करे और फिर, अरे ओछी हरकत करे और फिर, दिल में घना सिहा
धन्यवाद है। देखिए कोई शहीद हो जाता है और साथियों फिर उसकी विधवा बहन, उसकी विधवा पत्नी रह जाती है, उसके बच्चे रह जाते हैं। लेकिन कल मेजर साहब जो शहीद हुए उसकी पत्नी का अगर आपने नजारा देखा हो तो नौजवान साथियों वो बेटी भी धन्य है। उसके लिए कितना लिखा जाए उतना कम है। कलम भी आज ये कहती है कि मुझे तोड़ बगा दो, मेरे अंदर वो ताकत नहीं कि इनका मरहम भर दिया जाए। साथियों तीसरी कली जो है मैं अपनी माता बहनों के समर्पित कर रहा हूं। और क्या लिखा है भला, क्या मेहंदी वाले हाथ आज, मेहंदी वाले हाथ आज आंसुओं से रो रो भर गए। बिखरिया सब सिंगार बहनों के मंगल सूत्र उतर गए। अब नहीं कोई गोदी सुनी, अब नहीं हो कोई गोदी सुनी, मेरा अब नहीं हो कोई गोदी सुनी, ये हमको दर्द सताता। अरे गोदी जी कब बदला लोगे, पूछ रही भारत माता। गोदी जी कब बदला लोगे, पूछ रही भारत माता। शायर लिखता है, दो लाइन कह रहा हूं आपकी तालियां चाहूंगा, कि मैं केशव का पांच जन्मी गहन मोहन में खोया हूं और पुलवामा के शहीदों की कहानी लिखते लिखते रोया हूं। पुलवामा के शहीदों की कहानी लिखते लिखते रोया हूं। बहनों की राखी भी अब जल गई बर्फीली घाटी में, और ब्याही के फेरों के बंधन मिले कश्मीरी माटी में। ब्याही के फेरों के बंधन बिंधे कश्मीरी माटी में। टूटी चूड़ी धुला महावर, टूटा कंगन हाथों का। टूटी चूड़ी धुला महावर, टूटा कंगन हाथों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। साथियों उस विधवा के अश्कों का, अश्कों का मतलब आंसू होता है, कौन सी जिसने आज अपना पति खोया है, उस विधवा के अश्कों का आज स्वयं समंदर हारा है। उस विधवा के अश्कों से आज स्वयं समंदर हारा है। आज मेहंदी वाले हाथों ने खुद मंगल सूत्र उतारा है। आज मेहंदी वाले हाथों ने खुद मंगल सूत्र उतारा है। आज शहादत देकर बेटा, आज शहादत देकर बेटा आया घर के आंगन में, क्योंकि मैं एक शहीद के ही घर से आ रहा हूँ। आज शहादत देकर बेटा आया घर के आंगन में, और देखो दूध उतर आया है बूढ़ी माँ के दामन में। देखो दूध उतर आया है बूढ़ी माँ के दामन में। क्या कहा भला, आज जैसे ही एक शहीद की डेड बॉडी आने की तैयारी की जा रही है, उसका 2.5 साल का बेटा अपनी उस विधवा माँ को पूछ बैठा, जिस बच्चे को पता नहीं है कि आज तेरी माँ विधवा हो गई है, आज तेरी माँ की ये चूड़ी तोड़ दी जाएंगी परंपरा के अनुसार, आज तू बगैर बाप का बेटा हो जाएगा। तो साथियों उन माताओं के लिए दो लाइन हरिओम पवार जी की मुझे और याद आ रही है। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, अरे वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति के अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी देवियों के चरणों में शीश झुकाता हूँ, अरे मैं ऐसी देवियों के चरणों में शीश झुकाता हूँ
इसीलिए श्रद्धांजलि गीत को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए श्रद्धांजलि गीत को हथियार बनाकर गाता हूँ। सैनिक का अंतिम दर्शन, सरपंच साहब आपकी तालियों का समर्थन चाहूंगा। जो लोग दुनिया में घूम रहे हैं भगवान को ढूंढते, मैं एक बात कह रहा हूँ हरिओम पवार जी की कलम से कि साथियों आज उन जवानों के दर्शन करके ऐसे मानो जैसे भारत माता और भगवान मिल गया हो, इसलिए लिखा है। और ये सदन गूंज उठे तालियों से दो लाइनों में, सैनिक का अंतिम दर्शन कति तीर्थ जैसा होता है, सैनिक का अंतिम दर्शन कति तीर्थ जैसा होता है, और चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। हमारे वीर सिंह आर्य जी, सरपंच साहब 2000 रुपया देते हैं, मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। अरे छोटा बच्चा पूछे मम्मी पापा जी कब आवे, रामकिशन नरदेव कहे हम कैसे उन्हें समझावे, एक साथ 48 चिताएं, एक साथ 48 चिताएं देख के दिल दहलाता, अरे एक साथ 48 चिताएं, अरे देख के दिल दहलाता। मोदी जी कब बदला लोगे पूछ रही भारत माता, मोदी जी कब